सरेनी थाना क्षेत्र के धूरेमऊ गांव में लंबे अरसे से हो रहे अवैध कामों से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। ग्रामीणों ने चल रहे अवैध काम में पुलिस की संलिप्तता भी बताई है। सरेनी थाना क्षेत्र में लंबे अरसे से चल रहे अवैध कच्ची शराब और जिस्म फरोशी के धंधे को लेकर ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। ग्रामीणों ने गाँव की ही एक स्त्री व उसकी पुत्री पर अवैध काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही उक्त संपूर्ण प्रकरण में पुलिस की संलिप्तता पर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त संबंध में जब पुलिस को सूचित किया जाता है तो चालान की कार्यवाही कर पुलिस इतिश्री कर लेती है। सुरेश सिंह धूरेमऊ गौतमन सर। अच्छा, यहाँ पे किस बात का प्रदर्शन किया गया? ये दो तीन लोग ऐसी महिलाएं हैं जो ये दारू बेचती हैं, धंधा करती हैं। गांव के सब भ्रांत लोग जब जाते हैं उनको तो उनको धमका देती हैं। धमकाने के बाद बोलते हैं तुमको बलात्कार में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मार्केट में भी जाती है, अभी नगीना काट वाले की दुकान में गई थी, झूठ मूठ बताई हमारा मोबाइल रह गया दे दो नहीं तो तुमको भी हम बलात्कार में छेड़खानी में फंसा देंगे। उसने 2000 रुपए उसको दिए। इस तरह से इनका धंधा चल रहा है। अच्छे प्रतिष्ठित लोगों को गांव में ये बलात्कार की धमकी दे करके फंसाना चाहती हैं। ये अपना धंधा चमका रहे हैं। अच्छा, इससे बचने के लिए पूरा गांव एक है, सारे लोग इकट्ठा है, इसका निदान हो। अच्छा, अगर इसका निदान नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? पूरा गांव संभ्रांत लोग जवार के सब लोग हम लोग देखेंगे, सबके बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, ये बंद होना चाहिए। मुन्नू तिवारी, ग्राम सभा धूरेमऊ, माँ शीतला सेवा समिति अध्यक्ष धूरेमऊ, नमाम गंगे जिला संयोजक रायबरेली। किस बात का प्रदर्शन किया गया? यहाँ हमारे पुरवा में जो है कच्ची दारू बिकती है। दो महिलाएं बेटी और माँ मिलकर के यहाँ कच्ची दारू बेचती हैं। आए दिन वो झगड़ा करती हैं, पीती भी हैं, आए दिन झगड़ा करती हैं। कोई अगर कुछ कहता है तो उसे छिनारा और छेड़खानी में फंसाने का प्रयास करती है। अच्छा, अभी आप यहाँ बता रहे थे अवैध काम किए जाते हैं जी, इसका क्या तात्पर्य आपसे? अवैध काम किए जाते हैं जब कच्ची दारू बिकती है, लोग बाहर के यहाँ दारू पीने आते हैं, हैं आए गाड़ी में बैठाया, कहाँ ले गए, क्या किया, अब इससे यह अवैध काम तो हमारे गांव में बाहर के लोगों को 10 बजे रात के बाद आने का क्या औचित्य है, जुआ खेला जाता है इसी ज्ञान में। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस अवैध शराब के धंधे में हम इसके पहले जब शिकायत की तो पुलिस आती है और आ करके मिली भगत से जो है अपना जो है कभी कभी चालान कर देती है। साल 6 महीने में एक बार चालान कर दिया, लेकिन धंधा नहीं बंद करवा पाई कि कच्ची दारू धंधा बंद करवा दे। अगर धंधा नहीं बंद होगा, ये सब नहीं बंद होगा तो आप लोग क्या? हम लोग आंदोलन करेंगे। जो अभी तक दो बार देख रहे हैं पुलिस प्रशासन अगर नहीं बंद करवा पा रही तो अब हम लोग स्वयं बिचोगे, क्योंकि हमारे आने वाले पीढ़ी पर इसका फर्क पड़ रहा है। हमारे गांव के बच्चे अब ये कोरोना में जो है शहरों से गाँव आ गए हैं, गाँव में घूम रहे हैं, 10-20 रुपए की दारू और पीने की आदत पड़ जाएगी तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे।